तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये हमारा चार्जिंग के ऊपर टॉपिक है। ये जो आज दोस्तों जो हम आपको बताने वाले हैं चार्जिंग के ऊपर है। दूसरी बात क्या है, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो पूरा प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि मतलब हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग की समस्या आती है तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे चेक करते हैं, उसको प्रैक्टिकली चेक करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको चार्जिंग के बारे में पूरा डीपली से आपको बताया है कि चार्जिंग के प्रॉब्लम को कैसे चेक किया जाएगा, उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा, या चार्जिंग में आने वाली समस्याओं को कैसे ठीक किया जाएगा, या चेक करने का तरीका क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप मैंने आपको पूरा वीडियो दिया हुआ है ताकि आप वीडियो के माध्यम से इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख सकें, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकें और ये जान सकें कि मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना कितना आसान है। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवन और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको कराए जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है चार्जिंग के ऊपर, पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं आपको पूरा बोर्ड पे पीसीबी को रखूँगा माइक्रोस्कोप में और अच्छे से डिस्प्ले में आपको एक एक करके ग्राफिकली आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके पास कोई भी फ़ोन आएगा और चार्जिंग से संबंधित समस्या आएगी तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं, टीवी स्क्रीन पर। जैसे ये मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन आया है जिसमें चार्जिंग की समस्या है, तो चार्जिंग की समस्या के लिए हम लोग चेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, आप लोग चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए ये आपका चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है। मैं कोई आपको दूसरा बोर्ड आपको रख करके दिखाता हूँ ताकि आपको ग्राफिकली अच्छे से समझ में आए और आप सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से देख पाएँ। देखिए, जैसे ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की मान लिया समस्या है, चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात क्या है कि दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ़ोन आता है, अगर आप उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्या को ठीक करना चाहते हैं या चार्जिंग की समस्या को चेक करना चाहते हैं, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए आपको तीन चीज़ों की सबसे पहले सख्त ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात होती है आपको जैक के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ये। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको चार्जिंग आईसी के बारे में पता होना चाहिए कि चार्जिंग आईसी आपके मोबाइल फ़ोन में कहाँ लगी है। उसके बाद तीसरी चीज़ होता है बैटरी कनेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी कनेक्टर कहाँ लगा है। इन तीन चीज़ों को जब आप मोबाइल फ़ोन में पहचान लेते हैं तभी आप चार्जिंग के सर्किट को रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं बोर्ड में इन तीनों चीज़ों को पहली बार तो पहचान बताता हूँ, फिर मैं आपको चेक करने का तरीका समझाता हूँ। जैसे आप देखेंगे पूरे पीसीबी बोर्ड के अंदर ये आपका चार्जिंग जैक लगा हुआ है। उसके बाद चार्जिंग जैक के बाद फिर आप पीसीबी में पूरे बोर्ड में देखेंगे चार्जिंग आईसी कहाँ लगी है। ये आपका एलवीआर लगा है तो ये आपकी चार्जिंग आईसी लगी है। जैसे आप देखेंगे आपके मोबाइल फ़ोन में ये 6 पिन की चार्जिंग रेगुलेटर आईसी लगी है। ये 6 पिन की जो लगी है ये तुम्हारी चार्जिंग आईसी है, ये तुम्हारा एलवीआर लगा। उसके बाद सप्लाई यहाँ से फिर जाती है तुम्हारी बैटरी कनेक्टर के अंदर ताकि आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी चार्ज हो सके। तो यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है या मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग से संबंधित समस्या आती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको वीडियो आपको बताने वाले हैं। कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, नोकिया, एलजी, सैमसंग, चाइना, ओप्पो, वीवो, अगर उस मोबाइल फ़ोन के अंदर 6 पिन की चार्जिंग आईसी यूज हो रही है या 8 पिन की चार्जिंग आईसी यूज हो रही है, जितने भी चाइनीज मोबाइल फ़ोन आते हैं उनमें मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो प्राइमरी चेकिंग आप पहले कहाँ से करेंगे दोस्तों, चार्जिंग जैक से करेंगे। कहाँ से करेंगे, चार्जिंग जैक से करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्या है, तो चार्जिंग की समस्या को चेक करने के लिए पहली बात तो चार्जिंग जैक लगा है। चार्जिंग जैक में आप क्या करेंगे, यहाँ पर चार्जर लगा देंगे। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब कि आपका चार्जिंग जैक सही है। अगर 5 वोल्ट करंट नहीं मिलता तो इसका मतलब चार्जिंग जैक खराब है। चार्जिंग जैक के जो माइनस पिन होता है, माइनस पिन वाली पिन में चेक करेंगे तो माइनस पिन में चेक करने पर बीप आती है। उसके बाद जो प्लस पिन होती है, प्लस पिन में चेक करेंगे तो प्लस पिन में चेक करने पर वैल्यू आती है। अगर माइनस वाले बीप आती है तो माइनस का ट्रैक सही है, अगर प्लस पर वैल्यू आती है तो प्लस का ट्रैक सही है। अगर प्लस पर वैल्यू नहीं आती तो प्लस का लाइन ख़राब हो जाता है या प्लस का सप्लाई ख़राब हो जाता है। या प्लस का सप्लाई ख़राब हो जाएगा तो आपकी प्लस की सप्लाई को जोड़ना पड़ेगा। जैसे माइनस ख़राब हो जाता है तो माइनस का आप ग्राउंड पर कहीं भी आप जोड़ देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपके मोबाइल फ़ोन में प्लस की सप्लाई ख़राब हो जाती है, पॉजिटिव की सप्लाई ख़राब हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, इसके पास में देखेंगे ये डायोड लगा है, ये डायोड में एक तरफ से बीप आएगी तो एक तरफ का हिस्सा ग्राउंड होगा, इसके प्लस से उठा करके आप डायोड के इस पॉइंट पर जंपर मार देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग हो जाएगी। यदि उसके बावजूद भी मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सेम है या पॉइंट्स आपको डायोड नहीं मिल पाता
तो फिर आप ये चार्जिंग की जो पॉजिटिव सप्लाई होती है, इस चार्जिंग की उस पॉजिटिव सप्लाई से जंपर उठाएंगे और जंपर को आगे ले जाएंगे। अब कहाँ ले जाएंगे? उसकी आईसी तक ले जाएंगे, जो आईसी की सप्लाई जहाँ तक आ रही होगी। मैं आपको बोर्ड में आईसी भी दिखाता हूँ, डिस्प्ले कराता हूँ। जैसे आपके बोर्ड में ये चार्जिंग आईसी लगी है, तो आप क्या करेंगे, जो चार्जिंग की जो सप्लाई आती है, इनपुट सप्लाई जो होती है, वो तुम्हारी इस चार्जिंग आईसी पे आने वाली है। कहाँ पर आने वाली है? चार्जिंग आईसी पे आने वाली है। सबसे पहली बात, जो भी 5 वोल्ट करंट आएगा, वो 5 वोल्ट करंट तुम्हारे चार्जिंग आईसी की पिन पे आएगा। चार्जिंग आईसी की पिन क्या करेगी? ये सप्लाई इनपुट का काम करती है। जैसे सप्लाई इस पे आ जाएगा, तो सप्लाई आने के बाद फिर इसे आउटपुट होगा। आउटपुट होने के बाद ये सप्लाई चली जाएगी तुम्हारी बैटरी कनेक्टर के प्लस पे। जैसे बैटरी कनेक्टर प्लस पे जाएगी, तो चार्जिंग का लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी सप्लाई आती है, वो कितना सप्लाई होती है? ये 5 वोल्ट की इनपुट सप्लाई होती है। ये कौन सी होती है? 4 वोल्ट की तुम्हारी आउटपुट सप्लाई होती है। और ये आपके बैटरी कनेक्टर में ये वाला पॉइंट कैसा होता है? निगेटिव होता है। ये तुम्हारा VSI का लाइन होता है। तो चार्जिंग के लिए सबसे पहली बात, अगर चार्जिंग में जैक में प्रॉब्लम आती है, जैक निकालते समय अगर उसका प्रिंट उखड़ जाता है या उसका सप्लाई ब्रेक हो जाता है, तो चार्जिंग के पिन नंबर 4 से वहाँ से उठा करके आप इसके पिन नंबर 4 पर जंपर मार देंगे, तो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। चलिए मैं आपको इसी तरीके से मैं आपको दूसरे बोर्ड में एक बार डिनोट करके दिखाता हूँ कि जैसे मैं इस बोर्ड को हटा दिया, मैं किसी दूसरे मदरबोर्ड में इस चीज़ को फाइंड करते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हमने आपको डिस्प्ले पे आप रखा। कई सारे बोर्डों के बारे में आपको दिखाता हूँ ताकि आप सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ सकें। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, अगर इसमें चार्जिंग की समस्या आ रही, तो सबसे पहली बात आप मोबाइल फ़ोन खोलेंगे। मोबाइल फ़ोन खोलने के बाद चार्जिंग कनेक्टर को साफ सुफ करेंगे। चार्जिंग कनेक्टर साफ करने के बाद नहीं होगा तो चार्जिंग कनेक्टर में जब आप यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर चेक करने पर आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट करंट मिलता है, तो इसका मतलब चार्जिंग जैक सही है। चार्जिंग जैक के माइनस वाली पिन में चेक करेंगे, तो यहाँ पर बीप आएगी, और प्लस वाली पिन में चेक करेंगे, तो प्लस वाली पिन में चेक करने पर वैल्यू आएगी। इसके कनेक्टर के जब ट्रैक में चेक करते हैं, तो समथिंग 500 से लेकर के 700 वैल्यू आती है। अगर 500-700 वैल्यू आती है, तो ट्रैक सही है। अगर वैल्यू नहीं आती, तो ट्रैक ख़राब है। अगर मान लिया चार्जिंग जैक उतारते समय माइनस का प्रिंट उखड़ जाता है, तो माइनस से उठा के जैसे ग्राउंड यहाँ दिया है, यहाँ पर कहीं भी आप जंपर मार देंगे, तो चार्जिंग लाइन ओके हो जाएगा। यदि प्लस की सप्लाई ख़राब हो जाएगी, तो आपको प्लस को जंपर मारना पड़ेगा, जहाँ पर इसकी सप्लाई जा रही होगी वहाँ पर। अब हम बोर्ड में देखते हैं इसकी सप्लाई कहाँ जा रही है। तो इस बोर्ड में देखिए, मैं पूरा डिटेल में आपको दिखाता हूँ। इसमें कहीं भी आपको चार्जिंग आईसी कहाँ पर लगी है, चार्जिंग आईसी जर फाइंड कर देखिए। ये दोस्तों देखिए, ये आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग आईसी लगी है, क्योंकि इसमें बोर्ड काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, तो एक साथ में पूरा नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छे से आपको समझा पाएँ और आप इन सब चीज़ों के बारे में समझ पाएँ, आपको अच्छा सीखने को मिल सके। तो हम लोगों ने क्या किया, चार्जिंग के जब लाइन पर यहाँ पर चेक किया, तो ये चार्जिंग आईसी जो लगी है, तुम्हारी 8 पिन की चार्जिंग आईसी लगी है। कितने पिन की आईसी लगी है? 8 पिन की आईसी लगी है। तो इसमें से जब सप्लाई देखेंगे, ये डॉट लगा है, पिन नंबर ये है 1, ये 2, ये 3। तो ये सप्लाई इस कैपेसिटर पर आएगी, कैपेसिटर से तुम्हारी इनपुट हो जाएगी। इनपुट होने के बाद फिर यहाँ से आउटपुट निकलेगा, आउटपुट निकलने के बाद LVR से आगे जाएगा, फिर ये चला जाएगा बैटरी कनेक्टर के प्लस पे। ये वाला हिस्सा क्या है तुम्हारा? माइनस है। तो ये चार्जिंग लगा हुआ है, चार्जिंग में जो सप्लाई आएगी, जो तुम्हारा आप चाहें तो इस कैपेसिटर में चेक करेंगे, तो कैपेसिटर में चेक करने पर एक तरफ से बीप आएगी, एक तरफ से वैल्यू आएगी। जिस तरफ वैल्यू आएगी, वहाँ से उठा करके आप चार्जिंग जैक से जंपर मार सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक है, माइनस ग्राउंड हो जाएगा, प्लस की सप्लाई आप इस कैपेसिटर पर जोड़ देंगे। इस कैपेसिटर से जोड़ने से ये सप्लाई पिन नंबर सीधे 3 पर पहुँच जाएगी, और पिन नंबर 3 पर पहुँचते ही आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग आईसी तक इनपुट करंट पहुंच जाएगा। जैसे चार्जिंग आईसी तक इनपुट करंट पहुंच जाएगा, तो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि आपकी चार्जिंग आईसी जो होती है वो 6 पिन की होती है, तो सप्लाई पिन नंबर 4 पर जाती है। यदि 8 पिन की होती है, तो पिन नंबर 3 पर जाती है। तो आज मैं बेसिकली जितने कीपैड मोबाइल फ़ोन है, सबका प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। फिर आगे की वीडियो मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में भी दूंगा, ताकि मैं कई सारे बोर्ड में आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप देख करके अच्छे समझ सकें। क्योंकि आप ही लोगों में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने बोला हुआ है कि सर आपने मुझे जो थ्योरेटिकली है, जो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा समझाया है, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड में दिखा देते तो और मज़ा आ जाता, रिपेयरिंग करने में अच्छा लगता। क्योंकि हमारे पास जो रिपेयरिंग करने के लिए आता है, तो हमारे पास बोर्ड आता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे बोर्ड में इस चीज़ को व्यू करते हैं, दूसरे बोर्ड में इस चीज़ को वॉच करेंगे। जैसे मेरे पास ये एक मोबाइल फ़ोन का मदर बोर्ड है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली बात, ये आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है, ये देखिए, इसको आप अच्छे से देखते हैं।
ये चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है। तो चार्जिंग की कोई भी मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्राइमरी काम करना है आपको, चेक करना है। कैसे चेक करना है? चार्जिंग की सप्लाई चेक करने के लिए सबसे पहली बात, यहाँ पर जब आप चेक करेंगे, चार्जर लगा कर चेक करेंगे, तो यहाँ पर चेक करने पर आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब क्या, चार्जिंग सही है। 5 वोल्ट करंट नहीं मिलता तो जैक ख़राब है। जैक के माइनस वाली पिन में चेक करने पर बीप आएगी, प्लस वाली पिन में चेक करने पर वैल्यू आएगी। अगर माइनस वाली पिन में बीप नहीं आती तो माइनस को उठाकर तुम ग्राउंड पर कहीं भी मार सकते हो। देखिए इस पॉइंट पर ग्राउंड लिखा भी है, आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए तो आपका VCH का पॉइंट कई बार कंपनी लिख करके दे देती है, तो अगर प्लस का प्रिंट उखड़ जाता है तो प्लस उठा करके आप VCH वाले पॉइंट पर जंपर मार देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, जंपर मार के चार्जिंग की समस्या को ठीक कर लेते हैं। ये चार्जिंग कनेक्टर लगा है, चार्जिंग कनेक्टर में फर्स्ट लास्ट जो होता है प्लस माइनस होता है, माइनस को ग्राउंड पर जोड़ देंगे, प्लस को सप्लाई VCH पर जोड़ देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको इसकी IC के बारे में आपको दिखाता हूँ, इसकी IC कहाँ लगी है। तो इसके लिए पूरे बोर्ड को हम लोग को अच्छे से वॉच करना पड़ेगा। पूरे बोर्ड को वॉच करने के बाद इसकी चार्जिंग IC को हम पूरे मदरबोर्ड में देखेंगे। इस तरफ नहीं दिया हुआ है, बोर्ड को पलट लेते हैं। बोर्ड को पलटने के बाद फिर हम देखते हैं, ये देखिए आपकी चार्जिंग IC लगी है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके 6 पिन की चार्जिंग रेगुलेटर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को कैसे चेक करना पड़ेगा, ये चार्जिंग IC जो लगी है यहाँ पर LVR लगा है, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे इनपुट सप्लाई आती है। क्या आती है? इनपुट सप्लाई आती है। तो जो सबसे पहली बार जो सप्लाई आएगी 5 वोल्ट सप्लाई जो आएगी, 5 वोल्ट सप्लाई होते हुए इस कैपेसिटर के प्लस पे आएगी। अब आप कैपेसिटर में चेक करेंगे तो कैपेसिटर में इस वाले पिन पर बीप आएगी, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव सप्लाई तुम्हारी IC के पिन नंबर 4 पर चली जाएगी। पिन नंबर 4 पे जाने के बाद इसमें से डॉट जैसे है तो ये पिन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स है। ये जो सप्लाई होती है यहाँ से आउटपुट सप्लाई होगी, फिर LVR पे जाएगी, LVR से होते हुए बैटरी कनेक्टर के प्लस पे चली जाएगी, बैटरी का माइनस वाला ऐसा ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करते हैं। चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो चार्जिंग का जो प्लस का सप्लाई अगर ख़राब हो जाता है तो प्लस की सप्लाई का जंपर आप चार्जिंग के प्लस पॉइंट से लेकर के VCH पॉइंट पर मार सकते हैं, या चार्जिंग IC अगर 8 पिन की होती है तो सप्लाई पिन नंबर 3 पर लगा सकते हैं, और 6 पिन की IC होती है तो पिन नंबर 4 पर लगा सकते हैं। या तो फिर आप उसके पास में अगर आप देखेंगे छोटा सा जितने भी सारे होते हैं ब्राउन कलर का कैपेसिटर लगा होता है, इस कैपेसिटर में एक तरफ से बीप आती है एक तरफ से वैल्यू आती है, तो इस वैल्यू वाले पॉइंट पर आप जंपर मार देंगे और चार्जिंग को 5 वोल्ट करंट मिल जाता है, चार्जिंग IC आपका आउटपुट निकालना चालू कर देती है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन में हम लोग चार्जिंग की समस्या को हम लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कितने भी जो मोबाइल फ़ोन आते हैं, जो कीपैड मोबाइल फ़ोन आते हैं, या जो नॉर्मली एंड्रॉयड छोटे मोबाइल फ़ोन आते हैं, जिस मोबाइल फ़ोन का ना 6 पिन और 8 पिन की चार्जिंग IC इस्तेमाल करी जाती है उसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा तरीका आपको समझाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने आपको जो वीडियो आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से वीडियो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो इससे पहले जो चार्जिंग ट्रैक के बारे में जो मैंने बताया है वो आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया। अगर उन वीडियो को आपने वॉच किया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपको 100% ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। इस वीडियो के माध्यम से यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन का प्लेट आता है तो जिस तरीके से मैंने फाइंड करने का तरीका सिखाया है उस तरीके से आप फाइंड करके आप रिपेयर करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। जो नए लोग ऐसे हैं जो चार्जिंग की समस्या को ठीक करते हैं और नहीं जानते, मोबाइल फ़ोन में थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर लेते हैं, आयरन कहिए टांका लगाना आता है या हॉटगन चलाना भी आता है, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन के अंदर मदरबोर्ड के सर्किट को नहीं समझ सकते या सर्किट को फाइंड नहीं कर पाते, तो वो लोग भी इन वीडियो को देख करके सर्किट को फाइंड कर सकते हैं और इसके माध्यम से जो भी आने वाली समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पर जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि आप जैसे ऐसे लोग हैं जिनको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से जुड़े हैं तो उनको कहीं ना कहीं वीडियो मिलेगी तो उनको सीखने को मिलेगा, उनको मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।